रूस की राजधानी मॉस्को में मोदी और पुतिन की मुलाकात पर वर्ल्ड लीडर्स की नजर है। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने वेलकम किया और इसके बाद घुड़सवारी के शौकीन पुतिन पीएम मोदी को अपने अस्तबल भी ले गए। इसके बाद रशियन घोड़ों का एक स्पेशल शो भी वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3 दिन की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा पर गए हैं। रूस जो कि भारत का अहम सहयोगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस रवाना होने से पहले यह कहा था कि अपने दोस्त पुतिन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी, अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और अब दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। वही 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के बीच दोनों देशों के बीच होने वाले हथियारों की डील पर भी सबकी नजर है। तो भारत और रूस के बीच आपको बता दें S-400 डील पर बात आगे बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2018 में एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी, जिसके बाद भारत को अब तक 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब तक मिल चुका है और बाकी का इंतजार है। 2 सिस्टम का मिलना अभी बाकी है। वहीं रूस के सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर की बात हो सकती है। SU-57 रूस का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत ने इस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैंक का काल भी माने जाने वाले मैंगो शेल्स पर भी बात बन सकती है। आपको बता दें 3 VBM-17 मैंगो शेल्स टैंक्स को भेजने में सक्षम है और कहीं ना कहीं भारतीय डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक अहम रोल निभाएगा। इसको लेकर भी जमकर चर्चा हुई और देखिए डिफेंस से लेकर ऊर्जा से लेकर तमाम अलग अलग क्षेत्रों में क्या बातचीत हुई, अगली रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जिन हथियारों की डील भारत और रूस में हो सकती है वो ऐसे हथियार हैं जो चीन और पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे पहले S-400 है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर डील भी डन हो सकती है। सुखोई SU-57 रूस का पहला स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। रूस के इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है, जिससे हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। रूस के पास एक ऐसी शक्ति भी है जो दुश्मन के टैंक का काल कही जा रही है। ये शक्ति असल में मैंगो शेल्स है। 3 BVM-17 मैंगो शेल्स टैंक को भेदने में सक्षम है। इन शेल्स की नोक बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। मैंगो शेल्स को सेना के T-72 और T-90 टैंकों से दागा जा सकता है। और आइए नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शिक्षक योगी सरकार के एक फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए कल से ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत हुई, लेकिन इसके पहले ही दिन टीचर्स ने इसका खुलकर विरोध किया। मुजफ्फरनगर, देवरिया, अमेठी में आप देखिए किस तरह से शिक्षक इस फैसले के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच गए। टीचर्स ने मिलकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वो धरने पर बैठ जाएंगे और लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो स्कूलों में भी ताला लगाकर सड़क जाम कर देंगे। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ट्रैक्टर पर बैठकर पुलिस की टीम उन गांवों तक पहुंची जहां नदी का पानी भर चुका है। पुलिस ने गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा, साथ ही हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया गया। नेपाल की तरफ से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाराबंकी में एक मौलाना लोगों के अंदर से भूत प्रेत भगाने का दावा करता है और उसके पास भूत भगाने के लिए कई लोग भी पहुंचते हैं। जरा इस वीडियो को आप देखिए। एक वायरल वीडियो में महिलाएं अजीबोगरीब हरकत करती हुई नजर आ रही हैं। मजार पर कई महिलाएं और लड़कियां अपने बाल खोलकर झूम रही हैं। Zee News.